तो दोस्तों ये देखिए अनारदाना जो दाड़ू में आपको अक्सर दिखाती हूँ, ये देखिए ये अभी इसका सीज़न शुरू हो गया है। और ये देखिए मैं इधर अम्मा जी के पास आई हूँ, और ये देखिए दो भाग में इसको काट लेते हैं और फिर इसको झाड़ते हैं। ये देखिए खट्टा मीठा अनारदाना। नहीं तो खुश तो ये हुई देखो इधर ये झाड़ के इधर ऐसे झाड़ते हैं इसको पतली सी स्टिक से, ये देखो, और फिर सुखाया जाता है। बड़ी मेहनत का काम होता है। इस बार बारिशें ज़्यादा हुई है ना, तो इसका ज़्यादा लाल कलर नहीं आया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाल कलर आता है। और इसके जो छिलके हैं ये देखिए, ये भी बिकते हैं, ये भी इनको भी बेचते हैं। ये देखिए इस साइड में रखें और इसको धूप में डाल देंगे और सूखने के बाद ये भी बिकते हैं। और इधर मेन रोड पे ही हमारे घर हैं, और ये देखिए आप गाड़ियां जा रही है। और ये देखो आप, इतने धूप लग गए हैं, दो धूप, और ये देखिए सूख गया है, ये अम्मा जी ने सुखा दिया है। और ये देखो इससे ज़्यादा सूख गया है ये वाला, ये चार पांच धूप में ना बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अनारदाना रेडी है चटनी के लिए, और ये दवाइयों में भी यूज़ होता है और बहुत सी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो गाइज मैं माता का मंदिर दिखाती हूँ, पहले हमारे गांव में जो है यहाँ से दिखाती हूँ, दूर से ही कराती हूँ अभी दर्शन आपको, थोड़ा सा आपको दर्शन कराती हूँ माता रानी के, किसी दिन अंदर से दिखाऊंगी।